नाराज हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले अरा साहब, ये बताइए कि क्या जुडिशल कमीशन की जो डिमांड है वो अब काफ़ी है, जिस तरह रहमान मलिक साहब या दूसरे जो मेंबर्स हैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी, और आप समझते हैं कि वही रास्ता रह गया है अब इंसाफ के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें वो साहब, ये तो वर्सा की भी डिमांड है ना, ये डे वन से डिमांड है और तमाम अपोजिशन की डिमांड थी। मगर ये पता नहीं क्यों जो इंसाफ पसंद हुकूमत है वो इंसाफ तकड़ा देने में खुद ही रुकावट बनी हुई है। मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। देखिए, पहली बात, जब भी इनसे बात करें सानिया पे, तो ये कह देते हैं जनाब हमने तो 72 घंटे की, आज भी चीफ मिनिस्टर ने किसी तकरीब में बोला 72 घंटे में हमने एक GIT बना दी थी। ये एक फोबिया में मुलव्वस हो गए हैं, ये एक 72 घंटे की फोबिया हो गई है इनको, PTI वालों को, कि जब भी आते हैं सानिया पे और कोई इनके पास चीज़ है नहीं इस वाकये के लिए, क्लियरिफिकेशन के लिए, 72 घंटे में GIT बना दी। उस GIT ने क्या तीर मारे हैं ये कुछ बोलने के लिए ये तैयार नहीं है। और दूसरी बात वो साहब, अगर मैं ये कहूँ कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर अनट्रेंड है तो ये हो गया इल्ज़ाम, क्योंकि मेरा ताल्लुक है अपोजिशन से। मगर आज खुद चीफ मिनिस्टर साहब अपनी जात के लिए ये कहें कि जी मैं तो मासूम हूँ, अनट्रेंड हूँ, मैं तो सीखना चाह रहा हूँ, तो उस पे क्या कहेंगी PTI? सीधे 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 साधे इंसान है और धामरा साहब, मैंने कहा धामरा साहब सीधे साधे इंसान है।